हेलो हानिया। हानिया, दानियाल भाई ने फातिमा को डिवोर्स दे दिए। ये तुम क्या कह रही हो सुप्रिया? हाँ, अभी तायबू का फोन आया था। मम्मी को कॉल के वक्त मैं मौजूद थी, मैंने सुन लिया। अब मम्मी जा रही हैं तायबू के घर उनके आंसू पोंछने। ये नहीं होना चाहिए था। हानिया, तुम उदास क्यों हो रही हो? इसमें उदासी वाली कोई बात नहीं है। फातिमा बहन है मेरी। अच्छा, तुम्हारी बहन है वो? ऐसी बहन जो अपनी माँ जी को बदनाम कर दे? फातिमा ऐसी नहीं थी। दानियाल ने किया है ये सब, उसकी बेकरारी, उसकी दीवानगी की वजह से हुआ है ये सब। मैंने की थी मैंने दानियाल से मोहब्बत, लेकिन फातिमा को अपने हाथ से दुल्हन भी बनाया था। सच्चे दिल से दुआ मांगी थी कि उसका सुहाग हमेशा उसके सर पर रहे। देखो हानिया, या तो तुम्हारी दुआ का असर नहीं हुआ, या फिर दानियाल भाई सच में मोहब्बत करते हैं। बकवास बंद करो सौर्या, इतनी बुरी खबर दे रही हो और मोहब्बत का रोना रो रही हो। भाड़ में जाए ऐसी मोहब्बत, किसी का घर खराब कर दिया जिसने। सुनो, तुम चलोगी मेरे साथ? हानिया पागल मत बनो, ऐसे मत करना तुम। और तुमने हरगिज नहीं जाना वहां पे, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, समझी ना? अब तुम कुछ मत करना, मैं कॉल करती हूँ। तायबू को भी फोन करती हूँ और फातिमा को भी। ताई अम्मी पर जाने क्या बीत रही होगी। अच्छा, तुम ताई अम्मी को फोन कर लो फिर। ओके, ख्याल रखना, हलाफिस। ये क्या हो गया दानिया? मैं तुम्हें कैसे माफ करूंगी? किससे फायदा उठाना तो कोई तुमसे सीखे हानिया? नजरें गाड़े बैठी हो तुम मेरे घर पे, मेरे हस्बैंड पे, मेरे हक पे, हर चीज पे। हमेशा से मेरा हक मुझसे छीना गया, मेरी माँ ने छीना, मेरे बाप ने छीना, उन लोगों ने छीना जिन्होंने मुझे अपनी बेटी बनाकर पाला। हानिया, तुम छीन रही हो। और अज़ियत में तुमने फातिमा को डाला है ना, तुम भी तड़पो। कभी सुकून नहीं मिलेगा तुम्हें जिंदगी में, हमेशा खुशियों से दूर रहोगे तुम। जी, आप मुझे इतनी बददुआएं क्यों दे रही हैं? आप कौन? ये नंबर तो दानियाल का है ना? जी, ये नंबर दानियाल का ही है, लेकिन मैं दानियाल नहीं हूँ। दानियाल अभी वॉशरूम गया है, जैसे ही आता है मैं आपकी सारी बददुआएं उनको दे दूंगा। दानियाल आपके घर है? जी। मैं दानियाल से मिलना चाहती। जी, आपको मेरे घर आना होगा, क्योंकि दानियाल अभी बहुत डिस्टर्ब है। अच्छा, आप प्लीज मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दें। जी, मैं अभी आपको लोकेशन अपनी भेज देता हूँ।